अच्छा जी, ये कल पता नहीं मैंने सेव नहीं किया क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस यहां पे शो नहीं हो रहा मेरे ख्याल है। सर हमने प्रेजेंट कंटिन्यू बनाया था, पास वगैरह नहीं बनाए थे हमने, अच्छा और फ्यूचर प्रेजेंट में। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही करते हैं, ठीक है। जी ये कहता हूँ ही स्लीप बैड, मैंने किया। जी और आपको याद है हमने कल इसमें दो चीजें ऐड की, आई एन जी लगाया इधर और यहाँ पर जी लगाया बी, ठीक हेल्पिंग है। वर्ड, तो ये हमारे पास आ गया, हेल्पिंग ये हमारे पास आ गया इन कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस के दो हिस्से मैंने बताया, दो चीजें लाजमी है उसमें, आई एन जी और बी, यानी आपका जो स्टैंडर्ड टेंस है जो कि हमने बनाया इंडेफिनिट को, याद है आपको कि इंडेफिनिट को हमने स्टैंडर्ड टेंस कहा। मैं जानबूझ के इन जी द बेड ऑन द बेड नहीं कर रहा, ताकि मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट रखूँ फिलहाल, ठीक है। जी तो ही करेक्ट बी स्लीपिंग बेड, इन द बेड ऑन द बेड, ये चलो कर लें तो ठीक है, ना करें तो ये एडिशनल सर, ये चीजें हैं, प्रपोजिशन है ना। ये बेड एडिशनल चीजें हैं, इनकी तरफ अभी आपका आपका ध्यान करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान करें, इसलिए मैं जानबूझ के यही वो कर रहा था ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जो लाजमी क्रूशल पार्ट है ना टेंस सीखने के वाले से, वो यही है कि आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और इस वर्ब के अंदर वेरिएशंस क्रिएट करके हम बाकी टेंस क्रिएट करते हैं। तो जब हमने बात की कंटिन्यूस टेंस करने की, तो हमने कंटिन्यूस में आई एन जी लगाना है और बी लगानी है। आई एन जी कहाँ लगाना है, वर्ब के साथ, क्योंकि ये इसको कांदा मिल जाएगा, और ये बी लगानी है लाठी के इसकी तौर पर, लाठी ठीक है। अगर हम इसी को यहीं पर फाइनल करना चाहते हैं तो हम इसको अग्रीमेंट चेक कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या सही। इसको एज ए हम स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं और आगे बाकी टेंस बना लेंगे। तो फिलहाल मैं इसको अग्रीमेंट चेक कर ही लेता हूँ। अग्रीमेंट चेक किया तो ही के बजाय ही, बी के बजाय ही इज हो गया, ठीक है। जी और आपको याद है मैंने बताया था कि कोई भी टेंस, चाहे वो इंडेफिनेट में हो, कंटिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कंटिन्यूस में हो, जब वो बेसिक प्रेजेंट वाला बन जाता है, अब उसकी आपने तीन कापियां लेनी है, ठीक है, सिर्फ पास्ट और फ्यूचर बनाने के लिए। यानी पहले प्राइमरी, पहले आपको उसका प्रेजेंट वाला पार्ट बनाना है पूरा, ठीक ठीक है। है सर, प्रेजेंट वाला पार्ट मैंने बनाया, प्रेजेंट वाला पार्ट बना लिया तो मैंने स्लीप के साथ आई एन जी लगा दिया और पीछे बी लगा के हमने फिक्रा मुकम्मल कर लिया, ही बी स्लीपिंग बेड। यार ये फिक्रा बाद में लोगों को सुन के कंफ्यूज करेगा, मैं फिक्रा और ले लेता हूँ, मैं आई कुक सर फॉर आवर एक एक कल मिनट। की प्रॉब्लम थी मेरी जी बताएं सर जी, क्या। वो ना सर जी, वो बी और बीन जो सा ही इज के साथ तो ही इट वगैरह आता है ना, लेकिन बी और बीन का पता नहीं कहाँ कहाँ लगना सर, उसका अगर आप मैं बेटा कंफ्यूज आ था जा, कल का अभी आप बहुत चलते रहे मेरे जी साथ, आपको सारा कुछ समझाऊंगा, चलते रहे मेरे साथ। ये सर। मेरे पास स्टैंडर्ड टेंस है, मैंने वो स्लीप बेड वाला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था क्योंकि जो नए लोग देखेंगे उनको मुश्किल होगी। आई कुक फूड सीधा सीधा फेंक रहा है। इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए मुझे दो काम करने हैं, एक आई एन जी लगाना है और एक बी लगाना है। दो काम अगर करे तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। अब ये आई एन जी जो है ये वर्ब के साथ लगना है क्योंकि उसका हिस्सा है, तो ये फिक्र मुकम्मल हो जाता है। ये आई बी कुकिंग फूड, और आई के मुताबिक मैंने बी को फैमिली में से एम एम लगा दिया, एम फैमिली की वजह से। कंटिन्यूस का प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये फिक्र मुकम्मल हो गया ना। जी अब ये कंटिन्यूस का मुकम्मल जब हो जाए, जब भी कोई प्रेजेंट में मुकम्मल हो जाए, उसे आप तीन कापियां बनाए, राइट। मैंने तीन कापियां बना ली, ठीक है। अब तीन कापियां हैं तो ये है प्रेजेंट में पहली फॉर्म के साथ, अगर इसकी फॉर्म मैं दूसरी कर दूं तो ये पास्ट हो जाता है, और अगर फ्यूचर करना हो तो यहां क्या लगाऊं, विल यहां लगा देता हूं। मैंने विल यहां क्यों लगाया है, मैंने एम के बाद क्यों नहीं लगाया, मैं एम के बाद भी तो लगा सकता था। बिल हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा यस, रूल सीख लें, विल की बात नहीं, सिर्फ सिर्फ विल की नहीं, सब की बात करो। सर, सबकी कोई भी बात है, कोई भी ऐसे फिक्रा हो और कोई भी नया हेल्पिंग वर्ब आपने ऐड करना है, आफ्टर सब्जेक्ट। कोई भी फिक्रा हो, टेंस कोई भी हो, कोई भी फिक्रा हो और कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो आप सब्जेक्ट के फौरी बाद लगाएंगे, इसलिए मैंने यहां लगाया, बाकी जहां खड़े वैसे रहेंगे, ठीक सही है। तो फिक्रे मेरे हो गए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, लेकिन सब में एक चीज आपने हर मरबा चेक करनी है अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट से आई सब्जेक्ट एम जो कुकिंग अगर फूड फिक्रा ओके कोई है। भी फिक्रा हो, टेंस भी कोई भी हो, तो उसपे हमने भी लगाना है पहले। कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है तो सब्जेक्ट के यस बाद ऐड सर, करना। जी फिक्रा कोई सर, भी हो, टेंस कोई भी हो, और आप एक नया हेल्पिंग वर्ब ऐड करना चाह रहे हैं, उसका मोटा तरीका ये है, जनरल तरीका ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद उसको, ठीक सर है। ये कैसे पता चलेगा कि हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है इसमें? वो तो हर टेंस की अपनी रिक्वायरमेंट है ना, टेंस कहेगा लगाओ तो हम लगाएंगे, टेंस अगर नहीं कहेगा तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके
टेंस अगर कहेगा कि भाई लगाओ हम लगा देंगे, अगर टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम नहीं लगाएंगे। नहीं लगेगा सही। हर एक को बर्तबा, ये जो ये मैंने तीन नीचे तीन लगाए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एग्रीमेंट चेक करना है। आई एम ठीक है, कुकिंग ठीक है, फूड ठीक है, ओके हो गया। आई वाज ओके है, कुकिंग ओके है, फूड ओके है। आई ओके है, विल ओके है, आई के मुताबिक विल ओके है, लेकिन विल के बाद एम ओके नहीं। अब विल कहता है कि मेरे बाद बी मेंबर नहीं आएगा, रिप्रेजेंटेटिव लगना चाहिए। फैमिली पूरी थी बी ना, बी फैमिली आई बताती है विल, इज एम आर वाज वार बिन, तो बाकी सब मेंबर हैं, बी उसका सरबरा है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैंने सही बी लगा दिया, अग्रीमेंट चेक कर दिया। तो ये मैंने कंटिन्यूस के तीन फिक्र बना लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, बोल पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, और ये आई एन जी और हेल्पिंग वर्ब लगने की वजह से। अब देखिए इसमें आई एन जी नहीं है, जो ऊपर आपको इंडेफिनिट में लग रहे हैं ना उसमें कहीं आई एन जी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर आई एन जी भी है और एक बी का हेल्पिंग वर्ब भी है, यहाँ पर आपको ना आई एन जी नजर आ रहा है ना बी लग रहा है, इसलिए ये इंडेफिनिट है। और ये वाला क्योंकि इसमें आई एन जी आ रहा है और इस आई एन जी की जरूरत पूरे करने के लिए एम आ रहा है, यानी बी आ रहा है, तो ये ये कंटिन्यूस। सहारा देने के लिए ये वाले एक, ये सबसे पहले हेल्पिंग आने वर्ब वाले, सबसे पहले आने वाले हेल्पिंग वर्ब को था। अगर सेकंड फॉर्म कर दी जाए तो वो पास्ट हो जाता है। सबसे पहले आने वाले हेल्पिंग वर्ब को या वर्ब को अगर उसको सेकंड फॉर्म कर दी जाए तो ये पास्ट हो जाता है, और सबसे पहले अवेलेबल वर्ब अगर विल लग जाए तो ये फ्यूचर बन जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग है, मोटा मोटा जो अंडरस्टैंड हो गया। ठीक है, अब हम फिर वही देखिए, कोई भी फिगर बनाना, मैंने कहा था आप उसे इंडेफिनिट को आप करेंगे कॉपी, मैंने वही वाला इंडेफिनिट कॉपी दोबारा कर लेता हूँ। ये वाला इंडेफिनिट लिया था ना, ठीक है, ये वाला इंडेफिनिट मैं देखिए यहां पर भी इसी की डुप्लीकेट्स बना के मैंने किया था कंटिन्यूस, और इसी का ही डुप्लीकेट मैं लेके अब परफेक्ट करूंगा। अच्छा, परफेक्ट आपके जहन में आता है, तो वर्ड परफेक्ट के लिए कौन सा वर्ड उर्दू में जहन में आता है? चुका चुकी चुके लिया 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 परफेक्ट का अगर जेन में आता है वर्ड, तो आपके जेन में उर्दू का वर्ड चुका चुकी चुके, चुका चुका चुकी चुके या लिया लिया चुकी या चुके लिया या लिया ली लिया आता है। ठीक है, और ठीक अंग्रेजी में जब भी आपके सामने चुका चुकी आ जाए तो आपने हेल्पिंग वर्ब के जेन में रख लेना है, वो होता है। ठीक है, जब भी चुका चुकी चुके आपको अंग्रेजी में मिले तो फौरी तौर पर आपके जहन में वर्ड उर्दू का कौन सा आना चाहिए, अंग्रेजी का कौन सा आना चाहिए? हैव। है परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके, और चुका चुकी मतलब परफेक्ट और हैव, इन ये वही कॉम्बिनेशन हो गया जो मैंने बताया था। तीन चीजें आपने जहन में रखनी है, जब भी कोई चीज करनी है उसकी तीन चीजें जहन में रखनी है, नाम, पहचान, और अंग्रेजी में उसको कौन सा वर्ड बनाता है उसको। तो जब भी परफेक्ट आ जाए तो आपके जहन में चुका चुकी चुके और हैव आना चाहिए, जब भी हैव आ जाए तो आपके जहन में चुका चुकी चुके और परफेक्ट आना चाहिए। ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए, यानी एक का अगर कोई पूछे तो बाकी दो आप बता सके, हैं? कोई ठीक इनमें से एक अगर इशारा करे तो दो बाकी का आपको मालूम है। ठीक है, तो ये जैसे कंटिन्यूस बनाने के लिए मैंने बताया था, कंटिन्यूस का मतलब रहा रही रहे, और रहा रही का मतलब क्या बताया था? है आई एन जी, और आगे फिर आई एन जी की हमने दो आईएनजी जरूरतें कही थी कि आई एन जी की दो लाजमी जरूरतें हैं। वो कौन सी दो जरूरतें हैं? कि वो एक तो उसको कांदा चाहिए, एक लाठी चाहिए। इसी तरह अब परफेक्ट बनाते हैं तो परफेक्ट का पहचान है चुका चुकी चुके, और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो लगता है, और सब्जेक्ट कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी फिक्र हो, मैंने क्या बताया कहाँ लगाना है हेल्पिंग वर्ब? सब्जेक्ट में के मैंने बाद लगा दिया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। और आखिरी चीज, इसमें सिर्फ इतना काम करना है और आपने अग्रीमेंट चेक कर देना, इसमें हैव लगाया और अग्रीमेंट चेक करेंगे तो आपका परफेक्ट बन जाएगा। आई के बाद हैव ओके, आई के बाद हैव कोई प्रॉब्लम तो नहीं नजर आ रहा? नहीं सर अच्छा, हैव के बाद जो प्रॉब्लम है, अब हैव सर कहता थर्ड है कि फॉर्म भाई का सर हैव कहता है कि मेरे थर्ड पास जो फॉर्म वर्ब आएगी वो तीसरे फॉर्म में कुक्ड आनी थर्ड चाहिए। फॉर्म हैव में कहता है कि आएगा। मेरे पास और चीजें आ सकती हैं, लेकिन अगर वर्ब आएगा या मुझे आप ऐसे टेंस यूज कर रहे हैं तो मेरे बाद कोई भी पहली या दूसरी फॉर्म नहीं आ सकती, सिर्फ तीसरी फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे सर इसमें हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी कोई भी हैव, वर्ड हो हैव के नहीं बाद? हैव के बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, हैव के जी सर, बाद बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब आएगा तो वो तीसरी फॉर्म में आएगा।
यानी हैव जी की सर रिक्वायरमेंट यह है कि मेरे बाद कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से और लगा सकते हैं आप, लेकिन अगर कोई वर्ब लगाएंगे मेरे बाद तो वो तीसरी फॉर्म में आएगा। ये इसका अग्रीमेंट थर्ड है, फॉर्म थर्ड फॉर्म से। अभी हमारा आए सर और उसके बाद आए के बाद हैव ओके है, हैव के बाद कुक्ड ओके है, कुक्ड के बाद फूड ओके है, हमारा अग्रीमेंट चेक हो गया। तो अब मैं क्या करूं, इसकी दो डुप्लीकेट बना ली, तीन बना ली ताकि मैं बाकी टेंस बना सकूं। यहाँ प्रेजेंट में है पहली फॉर्म, इसकी दूसरी फॉर्म कर दूं तो ये बन जाएगा एड। और अगर यहाँ पर उसी तरह जैसे क्या विल बनाते, फ्यूचर बनाते हुए क्या करते होते हैं, यहाँ विल लगा विल और अग्रीमेंट तो हर मरतबा चेक करना। आई हैव वाला चेक कर लेता, आई हैड कुक्ड ये ओके है, आई के बाद विल ओके है, विल के बाद हैव ओके है, हैव के बाद कुक्ड ओके है, कुक्ड के बाद फूड ओके है, सीधा सीधा मोटा मोटा चेक। किसी को सर ये हैड क्यों लग गया इधर, हैड हैव की दूसरी फॉर्म फैमिली का। देखिए बस देखिए, किसी भी टेंस को हम प्रेजेंट से पास्ट करते हुए आ रहे हैं, क्या करें उसके वर्ब को दूसरी फॉर्म का, कोई भी जो पहला अवेलेबल वर्ब है उसकी फॉर्म को दूसरी कर देते हैं। यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ पर जो पहला अवेलेबल वर्ब है उसकी फॉर्म को दूसरी कर दिया हमने, यहाँ पर भी जो पहला वर्ब है उसकी फॉर्म को सेकंड कर दिया तो पास्ट हो गया। अब आपको पता चला हेड क्यों है, हेड असल में हैव का सेकंड फॉर्म, की भी फैमिली है, हैव की भी फैमिली हैव हैड है, फिर वो भी लिखवा दे, हैव की फैमिली होती है, हैव उसका सरबरा है। ये मेरे तरीके हैं, किताबों में नहीं लिखा हुआ, तो जी किताबों जी सर हैव इज इक्वल टू आपका बेस्ट है, हैज और हैड, ये इसके ये खानदान है पूरा। मैंने हैव अकेला इसलिए लिख लिया, आमतौर पर टीचर सिखाते हुए पढ़ाते हैं जी हैज हैव हैड लगाएंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर हैव लगाएंगे हैज लगाएं, तो मैं कहता हूँ आप हैव लगाएं, जब भी आपने परफेक्ट फिक्र बनाना है आप हैव लगाएं, फिर सब्जेक्ट से पूछें अगर वो हैव को तस्लीम नहीं करता तो हम उसके मुताबिक चेंज कर लें, ठीक है। सही है, मसला मैं कहता हूँ जी, क्या कहा आपने, तो आप जो आप राइट कर रहे हो वो शो नहीं हो रहा, जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको शो नहीं हो रहा, हमारी तरफ तो इसमें ऑप्शन होती है कि आप मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं या मेरी स्क्रीन देखना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल वो आप स्क्रीन वाला ऑप्शन कर ले, ठीक है। ठीक तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या किया है, मैंने हैव लगाया, अब ये कॉम्बिनेशन कौन सा है, परफेक्ट मतलब चुका चुकी चुके चुका चुकी मतलब है जाएगा, अगर हैज हैव ज़ेन में आ रहा तो अगर फौरी तौर पर नहीं थर्ड फॉर्म छोड़ दे, परफेक्ट करने के लिए तीन चीजें ज़ेन में रखी, चुका चुकी चुके और हैव, चुका चुकी चुके और हैव और परफेक्ट, ये एक चीज का नाम, एक चीज के तीन नाम है, आप समझ, ये एक ही चीज है, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, एक ही थाली, और इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी, नहीं ये आपको ये कॉम्बिनेशन ये दिन रखना है, बाकी अगला वो खुद तय कर लेगा, वो तो जब उस जगह लगाएंगे ना, परफेक्ट बनाने के लिए आपको सिर्फ हैव ज़ेन में रखना, थर्ड फॉर्म ज़ेन में रखना जरूरी नहीं है। सर अगर वर्ब आएगा तो फिर तीसरी फॉर्म लगेगी, आप देखे खामखा खुद को कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए कंफ्यूज है कौन, मैं कह रहा हूँ कि जब आप परफेक्ट टेंस बनाना है तो ये तीन चीजें आपने ज़ेन में रखनी है, परफेक्ट का मतलब है चुका चुकी चुके, चुका चुकी का मतलब परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब चुका चुकी चुके, चुका चुकी का मतलब हैज हैव, हैव हैव भी नहीं कर रहा, हैव हैव का मतलब चुका चुकी चुके और उसका मतलब परफेक्ट, इनमें से कोई एक मालूम है तो दूसरी दो मालूम होनी चाहिए, कोई एक का कहे तो दूसरी दो मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ हैव होना चाहिए या हैज होना चाहिए, हैड डोंट वरी फॉर्म यहाँ कौन सी लगनी है, डोंट वरी, ये जब हम लगाएंगे तब वहां ये फैसला जाके होगा, हर एक की जब जरूरत पड़े, आमतौर पर जब आप देखिए एक अच्छे टीचर में और बुरे टीचर में फर्क क्या है, एक एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस में फर्क क्या है, दोनों को ही टेंस आते हैं, दोनों को ही चीज आती है, सब्जेक्ट उसे आता है जो वो पढ़ा रहा है, वो उसे कंटेंट उसका आता है, पढ़ाना नहीं आता, एक एक्सपीरियंस टीचर और एक नॉन एक्सपीरियंस टीचर में फर्क ये है कि एक्सपीरियंस टीचर को ये पता है कि कब क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, एक नॉन एक्सपीरियंस को ये पता है कि जो आता है सब पढ़ाना है। Yes. वो फार्म की इसलिए बात कर रहे हैं सर, क्योंकि बाकी टेंसेस मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के से इरफान आपको याद है, इरफान आपको याद है जब हम स्पोकन कर रहे तो कोई ग्रामर की कोई भी बात हमने नहीं की, क्योंकि मुझे ये मालूम है स्पोकन के वक्त ग्रामर की जरूरत नहीं है, अब आप ग्रामर करें तो मैं कुछ स्पोकन की कोई बात आपको कर रहा हूँ, इसकी आवाज ऐसी होनी चाहिए, एल ऐसे कर जाएगा, ये कर जाएगा, कोई बात करें
तो तजर्बे के साथ ये फर्क पता चला कि मुझे ये मालूम हुआ कि कब क्या नहीं पढ़ाना। यस सर। मेरा पढ़ाना आपको क्यों आसान लगता है? कि मुझे ये मालूम हो गया कि क्या नहीं पढ़ाना है। हमें जब सीख रहे थे, हमने भी उम्र गुजारी थी, यानी छठी सातवीं से लगे थे टेंथ सीखने, और हमें नहीं आया। इंटरमीडिएट में जाके वो भी लकीली एक उस्ताद ऐसे मिल गए जो मेहमान थे, जिनको ये मालूम था कि क्या नहीं पढ़ाना है। लकीली मुझे ऐसे उस्ताद मिल गए, वो भी इंटर में जाके, जिनको ये मालूम था कि क्या नहीं पढ़ाना। सही है। अब टेंस मुझे भी आते हैं और बहुत सारे और दोस्तों को आते हैं, बड़े अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता चल गया कि कब क्या नहीं पढ़ाना। मैं आपको वो नहीं पढ़ा रहा जो नहीं पढ़ाना। सही होगा सर। जिस लेवल पर जो आपके लिए जरूरी है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अभी आप इधर जो है ना, सिर्फ ये जहन में रखें, इसको हैज हैव हैड के तौर पर भी जहन में रखने की जरूरत नहीं है, और फॉर्म कौन सी लगेगी ये भी जहन में रखने की जरूरत नहीं है। इधर आप सिर्फ ये रखें, परफेक्ट का मतलब चुका चुके चुके, चुका के चुके का मतलब हैज हैव, हैव हैव का मतलब चुका चुकी, और हैव का मतलब परफेक्ट। चुका चुकी का मतलब परफेक्ट और है। एक एक पूछूं तो दो आपको बता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें वहां जाके तय हो जाएंगी जब लगाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप इसमें हैव भी लगा लिया है और हैड भी लगा लिया है, तो हैज नहीं लगाया आपने। मुझे जरूरत नहीं पड़ रही इसलिए नहीं लगा रहा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं लगा दूंगा। समझ आ रही? अभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी, मैं उधर जा ही नहीं रहा, मैं जानबूझ के आपको उधर ले जा ही नहीं रहा। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दोगे तो आपका फिक्रा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे सर आपने कहा कि सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दूं। मैं कहता हूं आई प्ले मैं लिखा आई प्ले यार ये क्या आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। और इसको परफेक्ट बनाना है तो मुझे चुका चुकी जेन में आना चाहिए। चुका चुकी आया तो क्या जेन में आएगा? हैव। मैंने हैव लगा दिया, ये परफेक्ट हो गया। मैंने हैव लगा दिया तो ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। सिर्फ आखिरी चीज, एक चीज जो हमेशा चेक करनी है, आपने जो भी लिखना है हमेशा चेक करनी है, वो अग्रीमेंट है। परफेक्ट ये है सर, इसको मैं परफेक्ट ही कहूंगा, ठीक है। मैं परफेक्ट अग्रीमेंट चेक करता हूँ तो आए कहता है कि हैव नहीं लगा, आए के बाद हैव ठीक है, चले हो गए, आए को हैव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैव को यहाँ प्रॉब्लम नजर आ रही है। वो कहता है जी या इसको वर्ब को हटा के कोई और चीज लगाओ। हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ आई हैव अ क्रिकेट बॉल, मैं आगे कहता हूँ क्रिकेट बॉल, वो कहता है ठीक है। अब वो हैव कहता है मेरे पास आप वर्ब को हटा दे और कोई चीज लगा ले, ठीक है आई हैव अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, ये ठीक है फिक्रा, लेकिन ये टेंस नहीं है। वो टेंस नहीं, ये भी टेंस है, ये भी टेंस नहीं, ये भी है टेंस नहीं, ये इंडेफिनिट टेंस बन गया है। मेरे पास एक है, मैं रखता हूँ, हैव का मतलब होता है रखना भी होता है, लेकिन वो कहता है अगर वर्ब लगाना भाईजान, ठीक है वर्ब लगाना, तो फिर आपको उसकी फॉर्म जो है वो तीसरी करनी है, अग्रीमेंट पूरा करना है। अग्रीमेंट वो इसका ये नहीं कहता कि सिर्फ वर्ब ही लगाओ, अग्रीमेंट ये नहीं कह रहा कि मेरे पास सिर्फ वर्ब ही लगाओ, ये नहीं कह रहा। वो कहता है वर्ब के अलावा भी कोई चीज लगा सकते हो, लेकिन अगर वर्ब लगा रहे हो तो फिर मेक श्योर करो कि वो तीसरी फॉर्म होनी चाहिए। मैंने अग्रीमेंट चेक किया, अग्रीमेंट ठीक हो गया। अब इसको मैं तीन डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये तो आपको बताया। हाँ कितना सा काम, yes, इसको पास करना, इसकी हैव सेकंड फॉर्म लगा दी, इसको फ्यूचर करना, इसको यहाँ विल लगा दिया, लो जी बाकी ठीक है। आए के बाद विल को हैव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और फिक्र लिखता हूँ, ठीक है। देखिए आप ये देखिए, इधर चले ना, इधर देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पहली। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये कौन सी है? दूसरी। ये परफेक्ट है तो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये दूसरी। ये स्ट्रक्चर हमेशा ये चारों टेंसेज इंडेफिनिट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस सब के साथ ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा कि प्रेजेंट से पास ना नॉन हो तो पहले वर्ब की फॉर्म सेकंड वर्ब जो पहला अवेलेबल वर्ब है। ये नहीं कह रहा कि हेल्पिंग वर्ब, पहला अवेलेबल वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, उसकी फॉर्म को सेकंड कर दो। और फ्यूचर बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद विल लगा दो। ये सारा ये फार्मूला हू बहू ऐसे ही चल रहा है। देखिए पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म विल, सही है। यहाँ पर पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म विल,
यहाँ पर भी पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म विल, ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है, ये पैटर्न हुआ हुआ है जी सर। ठीक है, अब एक और जिक्र करता हूँ, अब मैं करता हूँ, शी क्या करती है, हाँ बताएं शी क्या करती है, बताएं। शी खाना बनाती है, शी पकाती है, यार पकाते पका पका पका, शी ईट्स, शी ईट क्या फूड, मैं शी ईट के साथ कोई चीज नहीं लगा रहा अभी और कुछ, शी ईट फूड, इसको मैंने बनाना है, ये कौन सा टेंस है वाला बताएं, ये टेंस कौन सा, प्रेजेंट टाइप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहले तो मुझे इंडेफिनिट के तीनों बनवाएं, दो कॉपियां कर ली, ईट की दूसरी फॉर्म कर दो तो क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यहाँ विल लगा दूं, यहाँ विल लगा दूं, ये फ्यूचर हो जाएगा, अच्छा ये इंडेफिनिट हो गया, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं कंटिन्यूअस बनाता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं यहाँ क्या लगाऊं, आईएनजी, आईएनजी, और यहाँ क्या लगाऊं, यस सर, इज, बी लगाऊंगा, अन्य वाला लगाते जा रहे हो, इज लगेगा, इज, मैंने तो बी लगाया, इज इज बी फैमिली का पार्ट है, उसको जब हम एग्रीमेंट में, इज लगेंगे, शी इज 18, तुम इज लगा रहे हो, तुम करने की कोशिश करो जंप, छलांग लगाने की कोशिश करो, जो छलांग लगाता है उसका कहीं ना कहीं गिरने का सबब बन जाता है। आप जब फार्मूला सपोर्ट पूरी कर रहे हैं ना, जो तरीका आपको बताया है उस तरीके को फॉलो पूरा करें तो देर इज नो चांस टू मेक अ मिस्टेक, देर इज नो चांस टू मेक अ मिस्टेक। अच्छा, कासिद ने कहा मैं इज लगा देता हूँ, ये कैसे पक्का है आपको इज लगना है, किस बुनियाद पर, नहीं सर बी लगाएंगे, नहीं, इस जब लगा रहे हो तो कंफ्यूजन हो सकती है कि सातों में से कौन सा लगना था, मैंने बी लगाया, हम आगे अग्रीमेंट चेक कर लेंगे ना, गलती नहीं रहने देंगे, हम गलती नहीं रहने देंगे, सही है, शी बी ईटिंग फूड, तो अब मैं अग्रीमेंट चेक करूंगा तो बताएगा कि शी कहती है कि यहाँ बी ना लगाए, ना एम लगाए, ना आर लगाए, वो शी की रिक्वायरमेंट है कि इस लगा, ठीक है, अब ये हमारा कंटिन्यूस का टेंस हो गया जी सर। अगला क्या करूं, आगे क्या करूं, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट, ही वाज, ओ भाई डुप्लीकेट करूंगा, डुप्लीकेट करेंगे सर, लर्निंग के वक्त डुप्लीकेट करूंगा, मैंने डुप्लीकेट तीन बना लिए, जब भी आपका जब भी आपका फिक्रा प्रेजेंट में मुकम्मल हो जाता है तो उसके तीन डुप्लीकेट आ गए, जब भी इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो, जब भी आपका प्रेजेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए अग्रीमेंट के साथ तो उसकी दो डुप्लीकेट्स और बना लो, तीन बना लो टोटल, और सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर दो और यहां पर विल लगा दो, ठीक है, अग्रीमेंट फिर भी चेक कर लेना क्योंकि जब नई चीजें लगाते हैं तो अग्रीमेंट चेंज हो जाती है, शी के बाद व्याज ओके है, फास के बाद ईटिंग ओके है, शी के बाद विल ओके है, विल के बाद इज ओके नहीं, नहीं, नहीं। इसको फिर बी लगेगा, ठीक, शी विल बी ईटिंग फॉर, कंटिन्यूस हो गया, अब मैं परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, इन छह में से कौन सा फिक्रा मैं कॉपी करूँ, ये जो छह फिक्रे आप देख रहे हैं इनमें से कौन से फिक्र को मैं कॉपी करके आगे ले जाऊँ, बताएं अग्रीमेंट चेक करूं तो क्या करता है, अग्रीमेंट कहता है तीसरी फॉर्म का फिक्र मुकम्मल हो गया जी सर, अगला काम क्या करूं, चेक करना है, चेक हो गया ना, हो गया ये चेक हो गया, इसकी कॉपियां, हां जी कॉपियां बना लेंगे, इसकी कॉपी कर लेंगे, कॉपियां बना लेंगे, यहां क्या करूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यहां क्या करूं, विल, मोटा मोटा ये देखें आप, मेरा पैटर्न वही है, मैं पैटर्न जो पास्ट करने के लिए और फ्यूचर करने के लिए वही कर रहा हूं कि यहां फॉर्म फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म है यहां सेकंड कर दिया, यहां पे लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म है यहां सेकंड कर दिया, यहां लगा दिया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड कर दी, यहाँ भी लगा दी, पैटर्न स्मूथ हो रहा है ना, स्मूथ चल रहा है, पैटर्न में गड़बड़ नहीं हो रहा, सर जी हैज के तक लगेगा, ये जो पहला बनाया सर परफेक्ट का, हाँ उसमें फिर हैज कहाँ लगेगा, तो अग्रीमेंट हमने यहाँ ठीक नहीं किया था, शी के बाद हैव नहीं लगता, शी कहती है कि ये सरबराह मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका मेंबर चाहिए, मैज लगा दी, हमने अग्रीमेंट में मिसिंग कर गए थे, शी हैव को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हमने एम ही करवा दिया था, शी हैव को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, अच्छा ये हैज़, और अगर ये करूं, एक मिनट मुझे रिपीट करने दें, ये मैंने किया, अब देखिए गड़बड़ होगी,
ये मैंने कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया, ये हैज को मैंने हैड कर दिया, ये पास्ट हो गया, ठीक है। यस सर। और यहाँ पर विल लगा दिया फ्यूचर करने के लिए। अग्रीमेंट चेक करता हूँ, शी के बाद विल ओके कि नहीं है? ओके ओके। के बाद हैज ओके कि नहीं? विल के बाद हैज नहीं है। नहीं है। ओके ही विल हैव। नहीं है, नहीं है, विल हैव। विल क्या मतलब? विल के मैंने बताया बारे में कल, एक बात बताई थी आपको परसों, नहीं, विल के बारे में आपको बताया था कि ये होता है मोडाल वर्ब। यस सर। कितने मोडाल वर्ब बताए थे? दस। पांच थे सर उनकी सेकंड फॉर्म के साथ मिला के। मे और दूसरी फॉर्म माइट। माइट। मस्ट और दूसरी फॉर्म आर्ट। आर्ट। कैन। कैन और दूसरी फॉर्म गुड। विल और दूसरी फॉर्म शुड। शैल और दूसरी फॉर्म शुड। इन सब की तीन शर्तें हैं तमाम मॉडल वर्ब की, सिर्फ ये विल के बाद नहीं, इन में से कोई भी आ रहा हो तो इनकी शर्तें एक जैसी, क्योंकि ये पूरी फैमिली मॉडल वर्ब की एक फैमिली है, उनकी तीन शर्तें। सर मॉडल का मतलब क्या है? मॉडल बस नाम है, मॉडल, ठीक है, नाम रखा है ना, जैसे आपका नाम फहमीदा है, मुझे नहीं पता फहमीदा का मतलब क्या है, ठीक है, नाम रखा है पहचान के लिए, नाम रखा है। Okay. फैमिली एक कोई इनका, क्योंकि इनका किरदार एक जैसे है ना, इसलिए इनका एक फैमिली नाम ले। क्या शर्तें हैं? तीन शर्तें। पहली शर्त कि इनके बाद सिर्फ ओनली वर्ब आ सकता है। मुडाल वर्ब की पहली शर्त यह है कि इनके बाद आप वर्ब लगाएंगे। यस सर। इनडायरेक्टली लगा सकते हैं, इनडायरेक्टली, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वर्ब के साथ। इनडायरेक्टली लगा सकते हैं कॉमा लगा के और चीजें लगा सकते, लेकिन पहली शर्त यह है कि ओनली वर्ब सपोर्ट करता है, दूसरी के अलावा नहीं करता। दूसरी शर्त, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप ये ना देख लीजिए कि सर आपने दूसरी लिखी है, ये दो शर्त नंबर टू लिख रहा हूं, ठीक है, मैं बल्कि नंबरिंग छोड़ देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पहली शर्त यह, दूसरी शर्त ये कि इसके बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आप दूसरी नहीं लगा सकते, तीसरी नहीं लगा सकते, और ओनली प्योर फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ ऐसी आई एस भी नहीं लगा सकते, ओनली प्योर फर्स्ट फॉर्म, ठीक जी। पहली शर्त यह है कि सिर्फ वर्ब लग सकता है, वर्ब के अलावा कोई नहीं लग सकता। दूसरी शर्त यह कि ओनली प्योर फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जब वर्ब लगना है तो वर्ब भी पहली प्योर फर्स्ट फॉर्म लगनी, उसके साथ कोई आई एन जी नहीं, कोई कोई एस ई एस नहीं, कोई कुछ नहीं, जो उसकी जनरल प्योर खालिस फर्स्ट फॉर्म है वो लगे। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त, यस सर, ओनली रिप्रेजेंटेटिव, और यहां पर सिर्फ ओनली रिप्रेजेंटेटिव वर्ब लगेगा। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो फैमिली में बटे, कुछ मैंने बताया था ना, जैसे विल की हैव की फैमिली है हैज, हैव, हैज और हैड, बी की फैमिली है इज एम आर वाज वर्ब, इज एम आर वाज वर्ब। अगर मेक श्योर करना है कि जो भी आप लगा रहे हो वो फैमिली का खुद सरबरा होना चाहिए। कई मरतबा होता है कोई होता ही अकेला है, वो खुद ही सरबरा है, कई मरतबा उसकी फैमिली के अंदर और चीजें आती हैं, तो हम मेक श्योर करेंगे जो भी लग रहा है वो खुद सरबरा लगेगा, उसका मेंबर नहीं लग सकता। आप देखें ना, शी के बाद यहाँ हैज है ना, तो यहाँ पर हैज था, ये हैज है, तो हैज अपनी फैमिली का सरबरा नहीं है, बताया ऊपर, हाँ क्या बताया, ये देखें ना, इस फैमिली रिप्रेजेंटेटिव आएगा सर, ओनली रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अगर यहाँ पर होता इज, मैं यहाँ पर करता हूँ इज, और यहाँ पर भी कर देता हूँ इज, तो विल इज नहीं एक्सेप्टेड है, इसको बी करना पड़ेगा, इस फैमिली का सरबरा, ये नहीं कि वो आपने उधर इज था तो आप हैव लगा दें, जिस फैमिली का है उसी का सरबरा देंगे, ठीक है, समझ आ रही है? तो यहाँ हैड लग सकता है, अगर किसी जगह पे इज या आर आया हुआ तो हमें फौरन ये बात याद करनी होगी कि जिसमें बी की फैमिली है उसमें से कोई भी वर्ड लगेगा, अगर पीछे मोडाल वर्ब है तो, अगर वैसे इज लगा हुआ है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पीछे उसके मोडाल वर्ब आ गया तो मोडाल वर्ब की वजह से तीन शर्तें पूरी होंगी।
अगर उनमें से कोई एक शर्त भी वायोलेट आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। यस सर। आप इन सर, शर्तों अगर में मुदाफा आएगा तो फिर उसकी शर्तें। यस, अब आप देखें तीनों शर्तें पूरी, ये है वर्ब, ये है, ये वर्ब है कि नहीं, हैव जो वर्ब है कि नहीं। अच्छा, पहली फॉर्म है कि नहीं? जी पहली है ना सर। सरबरा है कि नहीं? है सर। ऊपर चलते हैं, यहाँ देखें, ये वर्ब है कि नहीं? यस। पहली फॉर्म है कि नहीं? रिप्रेजेंटेटिव यस। सरबरा है कि नहीं? ऊपर चलते हैं, यहाँ ये वर्ब है कि नहीं? सर जी है। पहली फॉर्म है कि नहीं? पहली फॉर्म है ना, ईट पहली फॉर्म है या तीसरी फॉर्म है? पहली, फर्स्ट फॉर्म। और रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं? किसी भी फैमिली कोई नहीं है, फॉर्म में है, फैमिली नहीं है, फॉर्म में अलग चीज होती है, फैमिली होती है, यानी फैमिली होती है कि ईट की, ईट के अंदर कुछ और इसके घर के अफराद आते हैं, ईट एट खुद ही सरबरा है ये अकेला तो खुद ही सरबरा है। क्या मैं यहाँ पर एट लगा सकता हूँ? नहीं। क्या यहाँ पर मैं ईटन लगा सकता हूँ? नहीं। नो। क्या मैं यहाँ पर ईट्स लगा सकता हूँ? नहीं सर। क्योंकि क्या बताया, यहाँ क्या गलती हो रही है, ये है तो पहली फॉर्म, है तो पहली फॉर्म, है भी वर्ब, है भी सरबरा, लेकिन एक गलती हो रही है कि प्योर नहीं है ये प्योर नहीं है, यहां से मुझे इसे प्योरीफाई करना है, ये एस को हटाना पड़ेगा, प्योर करना। फर्स्ट फॉर्म, ओनली प्योर फर्स्ट फॉर्म। हाँ, गल पक्की होगी? सही सर। अच्छा, अब मैं टेस्ट ले सकता हूँ? जी सर। चले फिकरा, मैं इसको बंद कर रहा हूँ और आपका जुबानी कलामी टेस्ट होना। मैं पहले नाम लूंगा जिसको मैंने मुंतखब करना है और मुझे 2 सेकंड में जवाब चाहिए, अगर 3 सेकंड बाद जवाब आया तो आपका गलत है, चाहे सही भी है, मेरा जवाब अगर आपको सोच के देना पड़े तो आपका जवाब गलत है। सही है एवरीबॉडी? ओके, जो मैंने सिखाया है, अगर आपको मेरा जवाब सोच के देना पड़ता है तो इसका मतलब आपको नहीं आता, चाहे आपका जवाब दुरुस्त भी हो, अगर आपको सोच के देना पड़ता है तो मेरे मुताबिक आपको नहीं आता। आप सड़क पर जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, और वहां पर आगे यकदम कोई चीज आ गई और आपको सोचना पड़ा है कि मैंने कौन से हाथ से ब्रेक लगानी है, पांव से लगानी है या हाथ से लगानी है, तो हादसा हो जाएगा या रुक जाएगा? हो जाएगा। अगर आप सोचने लगे जाएंगे, अगर आप सोचे पड़ जाएंगे कि मैंने ये वाला हाथ दबाना, देखें दो हाथ होते हैं ना, एक में क्लच होता है, एक में ब्रेक होती है, अगर वहां आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो हादसा तो हो चुका फिर, घड़ी निकल गई फिर सर। तो चूंकि मैं आपको लॉजिकली सिखाता हूँ और अगर मेरा जवाब आपको सोचना पड़ता है तो फिर आपको जवाब नहीं आता, नहीं आता। एवरीबॉडी ओके? यस सर। ओके सर। ओके, मैं चलता हूँ पहले इरफान की तरफ, इरफान एक्टिव आदमी है, अल्लाह खैर करे सर। इरफान, मेरे पास जो भी वर्ड आएगा उसके आगे साथ जुड़ी जो भी चीजें में आती है फौरन ही आपने 2 सेकंड के अंदर बोलनी। चलो सर। प्रेजेंट, एक इंडेफिनिट है ही। इरफान फेल हो गया। नहीं, मैं तो उसको इंडेफिनिट उस तरफ चला गया ना, उसकी इंट्रोडक्शन देनी है सर। मैंने आपको इशारा दिया था कि कौन सी मेरे सवाल का सुनने के बाद फौरी तौर पर दो लफ्ज आप जो जेन में आए वो फौरी आपने बोलना है, तो नाम सुन के जो जेन में आता है उसके साथ जुड़ी दो चीजें, दो और स्ट्रिंग है। अबू बकर ने उसका जवाब दिया। अबू बकर का जवाब नहीं सुना मैंने। पहले अटेम्प्ट में इरफान फेल हो गया। अच्छा, आगे बारी है फहमीदा की। फहमीदा, जो मैं वर्ड बोलूं उसके साथ जुड़ी दो चीजें मुझे आपने बतानी है। Yes. चलो आपको 2 सेकंड, मैं 5 सेकंड देता हूँ। सही है, शुरू में चलो 5 सेकंड का गुजारा है। रहा, रही, रहे, इसके साथ जुड़ी दो चीजें और ने बतानी मुझे। आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब। रहा, रही, रहे। आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी आईएनजी और कंटिन्यूअस बताना था, आधा जवाब नहीं है। कंटिन्यूअस आधा जवाब सही हुआ, आईएनजी और कंटिन्यूअस। इसी तरह का सवाल है,
मिसेज आमिर से, मैं जो वर्ड बोलूं आपने उसके साथ जुड़े दो वर्ड मुझे और देने हैं। पांच सेकंड का आपके पास वक्त है। हैव चुका चुकी चुके लिया यार तेरा कि नहीं पूछा यार तेनू किसी ने वो बता रही तेनू किसी ने पूछा सुन लिया वो तो सुन लिया अब तो खत्म सर कोई और पूछा तुम किसको साबित करना चाह रहे हो वो तो है ही नहीं इधर सर मैंने कहा मेरी बारी आएगी नहीं मैं जवाब दे देता ये तो जाती है दोबारा मिसेज आमिर से सवाल है सॉरी सॉरी सर सॉरी आई एम इंटरप्ट मिसेज आमिर रेडी हैं आप जवाब दिया, दिया था अब सवाल तो आपसे हुआ ही नहीं अब जवाब कौन सा दिया आपको माइक बंद हुआ होगा शायद दोबारा दें नहीं अब दोबारा आपका मैं बात ही नहीं सुनी अब करीब हो माइक के पहले टाइप टेस्ट कर ली और ना माइक टेस्ट करते ही 5 सेकंड गुजर जाए अच्छा 5 सेकंड से ना घबराएं ये उसने घबराना जिसको जिसको समझ नहीं है जिसको समझ है उसको देखे ना मेरे मुंह में अभी सवाल था वो बोल गया कासिद अभी मेरे मुंह से सवाल खत्म नहीं हुआ वो जवाब दे गया ऐसे होना चाहिए मिसेज आमिर रेडी रेडी नहीं है हेलो रेडी है माइक से दूर है इसलिए आप जो आप बोलेंगे भी तो हमें सुनाई नहीं देगा आपका माइक दूर है नहीं सिग्नल का रोला नहीं है सिग्नल ठीक है आवाज आ रही है हमें लेकिन दूर से आ रही है रेडी है अच्छा आपने दो वर्ड मुझे देने हैं एक मैं दे रहा हूं दो आपने देने हैं गागी गे एक दो तीन चार पांच फ्यूचर और विल लेकिन आप फेल हो गई है ना आपका जवाब लेट आया है तो आपका जवाब ठीक है लेकिन नंबर आपको 0 मिलेगा इरफान भी फेल हो गया और मिसेज आमिर भी फेल हो गई मरियम मरियम जी सर आपने मुझे बताना है अब मैं आपसे दो जवाब नहीं चाहिए मुझे मुझे आपने पहचान बतानी है टेंस की पहचान बतानी है मैं नाम बोलूंगा आपने पहचान बतानी है ठीक है जी, दो 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 चीजें होंगी उसमें प्राइमरी भी होगा और सेकेंडरी भी होगा दोनों बताने हैं 5 सेकंड के अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस एक दो तीन चार पांच फेल हो गई 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 अबू बकर यस सर हाँ जी 5 सेकंड से दुनिया फेल हो रही है जेन्स रखना हालांकि जवाब उन्होंने सर सर कोई दूसरा जवाब नहीं दे सकता अगर आप किसी और से पूछ रहे हैं नहीं नहीं ठीक है दूसरा अपना जवाब तैयार रखे हो सकता है पूछा जा सके लेकिन आपने फौरी ए नहीं तो पूछे नहीं तुझे आप पे दे छड़े ठीक है सर सर मेरा माइंड उसके लिए तैयार था जो आप पहले इनसे फॉर्म पूछ रहे थे आपने मेरा क्वेश्चन चेंज करके मुझे कंफ्यूज कर दिया था क्वेश्चन पूछने वाले का काम है कंफ्यूज करना आपका काम है ना होना सही है अगर मैं सिखाता अपने तरीके से तो मैं टेस्ट भी अपने तरीके से लूंगा ना किताब भी टेस्ट थोड़ी लूंगा जी सर अच्छा अब वक्त रेडी है चुका था एक दो प्रेजेंट इन चार टेंस फेल हो गया बच्चा फेल हो गया सारी क्लास ही थोड़ी फेल होनी परफेक्ट हमना हमना इरफान तुम्हारा भी जवाब गलत है चाहे लेट भी दिया है दोबारा पूछना सर परफेक्ट इंडेफिनिट था सर परफेक्ट इंडेफिनिट तीजा भी गलत है नहीं मैंने तो आपने चुका था आपने चुका था गा था हां चुका था कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट परफेक्ट था नहीं पास्ट परफेक्ट ये टेस्ट सिर्फ एक का नहीं हो रहा जब एक का जवाब गलत हो रहा बाकी अपना तैयार रखे जेन में कि होना क्या था चाहिए था अपने जेन को रेडी रखें एक्टिव रखें हम ना रेडी हैं हम ना रेडी ठीक है हम ना रेडी हैं यस सर आपने मुझे पहले इशारा दे देता हूं
फिर 5 सेकंड में आपका जवाब चेक करेंगे। एक टेंस दे रहा हूं, इसको बनाने के लिए 2 सहारों की जरूरत पड़ेगी। वो कौन सा टेंस है, कौन से 2 सहारे हैं? 1, 2 सर, कांदा और लाठी। 4 कंटीन्यूअस। 5 कांदार लाठी। आगे टेंस का नाम नहीं बताया आपने, मैंने पूछा था टेंस का नाम भी बताना है ना। आपको आधे नंबर मिलते हैं मुनजा, आधे मिले थे मुझे। हमना आपको आधे नंबर मिलते हैं। उमर, उमर रेडी है? उमर आप माइक खोलें। यस सर। रेडी हैं? यस सर। एक जवाब देना है, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है क्योंकि जवाब एक वर्ड का है। यस सर, अल्लाह खैर। स्टैंडर्ड टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए कौन सा एक वर्ड लगेगा? 1, 2, 3 गागी गए। बेटा नहीं आता फिर। अहमद मरी। हैव। यस सर। इंडेफिनिट टेंस। हैव सर, हैव। हैव लगना था परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड टेंस को परफेक्ट बनाने के लिए एक लफ्ज़ लगना था हैड का। ये मतलब तुसी मेरा ध्यान नाल नहीं सुनते जिहड़ी गल्लां मैं कह रहा हूं। अहमद मरी रेडी? यस सर, यस सर। किसी भी टेंस को, आपके पास सिर्फ 3 सेकंड हो गए जवाब देने के लिए, किसी भी टेंस को फ्यूचर करने के लिए कौन सा एक वर्ड ऐड होगा? 1, 2 ये होता है। पहले पहले सेकंड में उसने जवाब दे दिया। ये जवाब ऐसे चाहिए सर, ये वाला इजी था ना, इसलिए बात इजी मुश्किल की नहीं है। वो तो ये इजी था सर जी, ये इजी था। ये मुकद्दर, ये किसी का अपने आप में मुकद्दरों की बात है। ये मुकद्दर की बात है, मैं कौन सा चूज करके करूं उसका आयो, मैं तो रैंडमली ले रहा हूं। एक और राउंड हो जाए, हमारे पास है 2-4 मिनट, एक और राउंड हो जाए। यस सर, जी सर, कंटिन्यू करें। ठीक है, फहमीदा से फिर शुरू करते हैं। फहमीदा अब अलर्ट होकर बैठना है, विद इन टाइम अगर आपका जवाब नहीं आया तो फिर गलत है आपका जवाब। Okay. और अपने नंबर लिखते भी जाएं, जिसको कितने नंबर मिले, पूरा नंबर मिला, आधा मिला या नहीं मिला। ये आपके एक्टिव होने का भी टेस्ट है। अंग्रेजी तो आ ही जाएगी मुझे पता है, वो तो मुझे कॉन्फिडेंस है आपको आ जाएंगी, टेंशन कोई नहीं है, लेकिन आप कितने एक्टिव हैं ये टेस्ट भी हो रहा है। इतने स्मार्ट हैं आप, वो भी हो रहा है। अच्छा जी, फहमीदा टेढ़ा करके जवाब पूछूंगा, जवाब सीधा सीधा है। फ्यूचर के तीसरे बेटे का नाम क्या है? 1, 2 फ्यूचर के तीसरे बेटे का नाम, फ्यूचर परफेक्ट परफेक्ट मुझे पता था। मैंने क्या, वो चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो, तीसरे बेटे का नाम तो एक ही है। परफेक्ट। मैंने आपको जानबूझ के उलझाने की कोशिश की है। इसका मतलब आपको उलझाया जाए तो आप उलझ सकती हैं। यस, आपको उलझाया जाए। चलो कोई बात नहीं सर, खैर नेक्स्ट टाइम सर। ओके, अगली बारी इरफान की है। अच्छा, आपने मुझे नाम नहीं बताना, आपने मुझे पहचान बतानी है एक वर्ड की। सवाल गौर से सुने, सवाल पूरा हो जाएगा उसके बाद आपके 5 सेकंड चलेंगे। पास्ट के दूसरे बेटे की पहचान क्या है? 1, 2 सर, रहा रहे रहे। वेरी गुड, आई एन बस नहीं नहीं, बस बस पहचान पूछी थी, पहचान पूछी थी, सिर्फ पहचान पूछी। सवाल को समझ के, सवाल जितना हो उतना जवाब देना, ये स्मार्ट बंदे का काम है। सवाल को पहले समझे पूरा, ठीक है। आगे किसकी बारी है? मिसेज आमिर की बारी है मेरे ख्याल आगे। जी मिसेज आमिर रेडी हैं? मिसेज आमिर रेडी? फ्यूचर के पहले बेटे का नाम क्या है? 1, 2 हाँ सही है, सही जवाब। नंबर अपने लिखते ना, जितने जितने नंबर हो रहे हैं आपके, मैं नहीं लिख रहा। कासिद अली तेरे को सवाल पूछा है क्यों नहीं, तू एवं बढ़ गया सी बिच पहली, इस वजह से तेरा पिछला सवाल नहीं पूछा सी, वो नंबर तेरा वैसे ही कटिया गया। आप किसी और का जवाब देते तो असल में अपना नंबर कटवा बैठते हैं, आपको लग रहा है मैं नंबर ले लूंगा, लेकिन आप अपना नंबर कटवा बैठते हैं। इसे आप पूछ लें कोई सवाल मुझसे। हाँ, पहले पीछे आपको 0 मिला है, आगे आपने वेलकम मिला है, ठीक है जी सर। अच्छा, कासिद अली जी सर,
नंबर तेरे मैं फेर को नहीं देना जेड़ा बहुत तिलका सर मुझे पता आप पुशअप करते हैं हमें आप ना दे कोई बात नहीं नंबर तेरे फेर को नहीं लेना चलो हिम्मत है कर लो ठीक है पास्ट के चौथे बेटे की पहचान बताओ एक परफेक्ट कंटिन्यू दो तार रहा ती रहे हाँ जी मैंने सवाल नाम नहीं पूछा था पहचान पूछी थी नंबर मिल गया आपको विद इन टाइम आपने थैंक यू सवाल समझ के दें जवाब हम ना रेडी हैं यस सर ओके हमने टेढ़ा आपसे सवाल पूछा हूँ मुझे बताएं जो बी के फैमिली के कितने मेंबर्स हैं नाम बता दें उनके सर इज एम आर वेयर वाज ठीक है जवाब ठीक है आपका इज एम आर वाज वर बीन ठीक है यस सर अच्छा अगला सवाल है मिसेज आमिर से मिसेज आमिर रेडी है पिछला तो आपने जवाब नहीं दिया था या दिया था तो मेरे ख्याल है पता नहीं नंबर मिला था कि नहीं मोडल वर्ब्स के तीन कानून है पहला कानून बता दें मोडल वर्ब्स की तीन शर्तें में से पहली शर्त वेरी गुड शाबाश वेरी गुड आपका जवाब ठीक है मरियम जी सर मोडल वर्ब्स का तीसरा कानून क्या है एक दो तीन चार ऊपर से देखने वाले को नंबर नहीं मिलेंगे इतनी फुर्सत नहीं होनी आपको कौन कौन से कौन कौन से आप नकल आप सामने ओपन बुक रख लें मुश्किल अब मेरे से मुश्किल सवाल आप ओपन बुक रख लें बुक आप ओपन बुक रख लें सारे तेरे सवाल आपने लेडीज से पूछा था लेडीज ज्यादा इंटेलिजेंट होती है इसलिए मैंने उनसे पूछे हैं सर मैं जवाब दे देना था फौरन लेकिन मैंने चीटिंग कर ले ली थी वो इसलिए मैंने चुप कर गई थी आपके चीटिंग करने से पहले टाइम मुक जाना था मैंने टाइम इसलिए रखा है आपके चीटिंग करने से पहले टाइम खत्म हो जाता है ना चीटिंग का टाइम ही नहीं दिया सर ने नहीं नहीं सर ये मेरे बिल्कुल सामने था आंसर मैंने चुप कर गई थी मैंने कहा ये चीटिंग हो जानी है ओके ओके उमर उमर रेडी है उमर तेरे से भी टेढ़ा सवाल आ रहा है अल्लाह ही खैर हैं हुन अगे टेढ़े करने नहीं यार तुसी हुन तुसी सिखा सिखा के मैं हुन थक गया तो तुसी फिर भी कहो जी मैं टेढ़ा सवाल हैं नहीं ठीक हैज हैव की क्या शर्त है एक दो तीन चार पांच बच्चे का नंबर कट गया थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए वर्ब की सर थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए उमर वर्ब की तीसरी फॉर्म लगनी है अगर वर्ब लगे वर्ब की सर ने मुझे मना किया इसलिए मैं बोला चलो तुम बाद में दे दिया लेकिन नंबर तो कोई नहीं लगना ना तेनू सर मैंने देने वाला फिर आपने कहना तो तुम बोले नहीं चलो नंबर टाइम गुजर गया तो नंबर तुम्हें इसका नंबर तो कोई नहीं मिलना चलो तुमने दे दिया तो ठीक है बाकी को पता चल गया सही हो गया ओके कौन रह गया अबू बकर यस सर सीधे रेडी यस सर अच्छा आपने मुझे 12 टेंसेस के नाम बताने टाइम की कोई कैद नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट डेफिनेट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर फ्यूचर डेफिनेट फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ठीक है सारा और अच्छा मुझे कितने लोग बताएंगे अबू बकर ने ठीक जवाब दिया सर सही जवाब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया जो है ना हां थोड़ा आगे फ्यूचर पे सर गलत हो गई फ्यूचर पे तरतीब गलत हो गई है नहीं जवाब उसके ठीक है लेकिन जिस तरतीब से मैंने सिखाए हैं तरतीब गलत है हां औखे वाली तरतीब जिससे सारी जिंदगी खप खप के नहीं आया टेंस मुझे भी ऐसे सिखाए गए थे मुझे भी ऐसे सिखाए गए थे इस तरतीब से टेंस आता नहीं है हमारी तरतीब क्या है भला सर आपकी क्या तरतीब इरफान बता रहे हैं सर इसमें ये है कि अब हमारे फर्स्ट तीन टेंस हैं प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर है इंडेफिनिट है कंटीन्यूअस है परफेक्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस ये प्रेजेंट के साथ भी हैं आगे चारों पास्ट के साथ में हर टेंस को पहले इंडेफिनिट एक टेंस जो बेटे है ना उसे एक को पकड़ना है उसे तीनों बापों के साथ नाम बता देने फिर दूसरे बेटे को पकड़ना है इरफान बताएं
प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਲਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਫਿਊਚਰ ਸਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਤਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਿਊਚਰ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਸਿਖਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਸੇ ਆਪ ਮੁਝੇ ਨਾਮ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਪ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਉਸਕੋ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। अगर आए हैं तो रटे रटे लगा के उनको टेस्ट दे आए हैं, तीसरे दिन बात भूल जाते हैं। ये सर, मैं आपको इनके नाम बता सकती हूँ ऐसे, मुझे सही सही याद हो गए हैं। कौन से बताए सर? पहले होते हैं टेंथ, फिर उसके होते हैं तीन बेटे, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, फिर आगे से उनके होते हैं बच्चे। फर्स्ट इंडेफिनेट हुआ तो उसको करेंगे इंडेफिनेट पास्ट टेंथ, फिर उसको करेंगे इंडेफिनेट प्रेजेंट टेंथ, फिर उसको करेंगे इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस, ठीक है। फिर उनके दूसरे बच्चे आ जाते हैं, उस एक कंटिन्यूस हो जाता है, फिर कंटिन्यूस को करेंगे परफेक्ट और टेंस, फिर उसको कंटिन्यूस को करेंगे पास्ट टेंस, फिर कंटिन्यूस को करेंगे फ्यूचर टेंस, ठीक है। तीसरा बच्चा आ जाता है, वो होता है परफेक्ट, उसको फिर करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस परफेक्ट पास्ट टेंस, फिर उसको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस करेंगे, फिर उसको जो है ना प्रेजेंट को हम फ्यूचर टेंस कर देंगे, फिर इनका आ जाएगा चौथा बच्चा, प्रेजेंट को फ्यूचर टेंस कर देंगे। उसका नाम एक होगा तो ऐसे ही है ना। ये जो पर्चा खोल के रखा हुआ है इसको बंद कर दो, वो कंफ्यूज कर रहा है। चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर प्रेजेंट को फ्यूचर कर देंगे। वो सर जल्दी जल्दी में हो गए। मिसेज आमिर, आपको मालूम है कैसे होनी चाहिए तरतीब? मिसेज आमिर बस आपकी तरतीब ठीक है, बाकी खुद ब खुद ही ठीक है। तरतीब ठीक है तो सब कुछ ठीक है। यही तरतीब है जो मिसेज आमिर बता रही थी, यही बता रहा हूँ मैं। उनकी आवाज नहीं सी आ रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले इंडेफिनिट को पकड़ेंगे, उसे तीनों में से घुमा देंगे। यही तो सिखाया है मैंने, अभी सिखाया ही है। पहले इंडेफिनिट हमने बनाया, उसे फिर पास कर दिया, फिर फ्यूचर कर दिया, फिर कंटिन्यूस बनाया, उसे पास्ट फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस कर दिया, फ्यूचर को कर दिया, फिर परफेक्ट बनाया प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट बनाया, फिर उसे पास्ट परफेक्ट कर दिया, फिर फ्यूचर परफेक्ट कर दिया। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे, और फिर फ्यूचर परफेक्ट। इतना सा काम। हाजिर दिमाग नहीं है आप? सर दोबारा जी जी नहीं सर, अभी कच्चा है अभी जी। अहमद क्या कहा आपने? अहमद क्या आपने सवाल किया मुझसे? सर सवाल दोबारा नहीं पूछा सर, मुझसे सवाल दोबारा नहीं पूछा सर। फेल ही होने, क्यों फेल होने का शौक है? चलो पूछ लेने, पूछ लेते हैं, बड़ा एतमाद है अभी बंदे को। मुझे आपने बताना है कि विल के बाद हम इज क्यों नहीं लगा सकते? सर उनकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल नहीं आता है, विल भी आता है। क्यों नहीं आता, क्यों इज नहीं लगा सकते? ये सवाल पूछा ना मैंने, लॉजिक मुझे बतानी है। वो तो सबको पता बी आता है, लेकिन क्यों बी आता है, इज क्यों नहीं आ सकता? कि वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर नहीं है फैमिली का। यार कासे दे नंबर सारे काट लो तुसी। अहमद मरी तुम्हारा नंबर हो गया, कासिद का जो नंबर मिला था वो कट गया, एक नंबर मिला था वो भी कट गया। सर मैं इसीलिए बोलता ही नहीं। अहमद आपको जवाब मिल गया, आपका आपका नंबर हो गया। आज कासिद के नंबर जीरो है, अहमद के दो हैं। सबसे ज्यादा नंबर किसके भला है आपको पता है किसी को? किसके?
सबसे ज्यादा नंबर अहमद मरी के, और वो आपकी क्लास का हिस्सा भी नहीं है, वो वैसे ही शोली आया है आज उसने मुझसे पहले सीखे हुए भी नहीं है आपकी क्लास मेरे में भी नंबर छीन गए नंबर तो आडे चला के तो छीन गए ना हैं उसी बड़े तेज है क्यों बड़े तेज है क्यों सर आपके स्टूडेंट तेज तो होंगे नहीं तेज मैं ना तेज नहीं है ना जिन्हें तू तेज हो रहे हैं वो टेस्ट किसे और दा रहे नकल तू लवा रहे हैं जरा नकल वाले फड़े था ना दोनों दे पेपर कैंसल कल नु सारे कहन जी कासिद को बहुत अच्छा आता है पता नहीं कल नु एक ऐसा सवाल हो जरा कासिद नु ना ना दे सारी क्लास फेल करवा देनी तू सारे ने कहना कासिद नु तेज आंदा उन ओदा मान लो पता चला कासिद नु आ भी नहीं आंदा सी सारे फेल करवा बैठे सही है इसलिए आपके आज के नंबर काटे जाते हैं सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं अहमद मरी को मिसेज आमिर आपको कितने मिले हैं अपने अपने नंबर बताएं टू एंड हाफ आपसे तीन सवाल हुए नहीं पहले का तो जवाब आपका कट गया था ना वो तो आपका क्योंकि लेट हो गई थी आप दो ठीक हो गए आपके ढाई नंबर बनते हैं बड़ी बात है मरियम आपके कितने कटे हैं कितने बनते हैं नंबर जीरो नंबर है मेरा जीरो हम ना वन एंड हाफ उमर जीरो सर जीरो समीदा हाफ हाफ अल अदा नंबर लेके अच्छा इरफान एक नंबर है सर एक नंबर तुसी एक नंबर आ रही हो अबू बकर एक सर एक अहमद मरी दो कासिद जीरो कासिद ने सारे कमा के खिला दिए ए सखी बंदा है सर सखी अच्छा रमजान में सखावत अच्छी है हर रोज आया करो नंबर अपने लूज करवा के करे जाके ताड़ियां हैं सर अच्छी बात है कोई होना कोई बात ही मैं सर अकबर का स्टूडेंट हूं मेरे लिए खैर है ये कोई बात नहीं मेरे लिए बाकी किसके बाकी सर के ही है मेरी अपनी मेंटालिटी है एक बाकी सर के स्टूडेंट चले ठीक है अब मेरा ख्याल कोई से ज्यादा कंफ्यूजन जरा और दूर हो गई होगी कुछ रह गई होगी हम करेंगे अब कोशिश कि जो सीखते हैं उसका थोड़ा सा 10 मिनट क्विज भी कर लीजिए सर आप जुमले भी बनवाएं किसी दिन हमसे वो एक यार तू तेज बहुत है असल में तेरा रोड़ा है तेज बहुत है अबे अभी ये नहीं आ रहा तो जुमले बनवा समझ में नहीं आ रहा मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारे काबिल लोगों को नाकाम इसलिए देखता हूं कि वो उस्ताद से आगे चलते हैं बहुत सारे काबिल लोग बड़े कमाल के लोग हमेशा यार जेड़ा अजय वो टाइम आ रहा है फिक्र की गल करना मैं पूरा पूरा तुहाडे को ऐसे लिखवा छड़ना है इंशाल्लाह पूरा पूरा ऐसे पूरा आर्गुमेंट लिखवाना है पूरा कंटेंट राइटिंग करवानी है आपको एक चैंपियन बनाना है $200 लेके आर्टिकल लिखवाना है आपसे $200 कमाने वाला आर्टिकल लिखवाना है हौली हौली इंशाल्लाह हौली हौली यार पोले पोले चलो तुसी तेज चल दियो हैं आपको फाइनल में सारे पास होंगे पूरे नंबरों से होंगे ये मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ सेशन के क्लोजिंग पर सब पूरे नंबरों से पास होंगे ये मैं पहले से बता रहा हूँ ये नहीं कि मैं एक्स्ट्रा नंबर दो के बाद आपको पास करूंगा ऐसा नहीं होगा आप इस काबिल होंगे आप करें मैं इसमें इसलिए आपको रगड़े दे रहा हूँ इसलिए ताकि आप उस लेवल पर आप इतने शार्प हों कासिद की तरह नंबर कासिद तो लूज करवा रहा है ना कासिद तब सिर्फ काउंट होगा किसने पहले हाथ खड़ा किया है उसको नंबर मिलेगा आपको पता है एक शो होता है मैं अभी वीडियो बंद करता हूँ ये रिकॉर्डिंग में बंद करता हूँ क्योंकि मैंने उधर दिखानी है कुछ ठीक है तो ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी जो दो लोग देख रहे थे वो यूट्यूब पर कुछ दे सकते हैं इसका पीछे मैं ये बंद कर रहा हूँ जो लोग सीखना चाहें वो इसी तरह क्लास के साथ स्पोकन और इंग्लिश की ग्रामर की क्लास हो रही है आप में से जो लोग सीखना चाहें वो मेरे नंबर पर रब्ता करके आप क्लास में